है मिस हुदा बुरगिरी। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। जनाब आला वतन अजीज के हुक्मरान और अहदेदार हाथ में कशकोल लिए अग्यार के सामने हर वक्त भीख मिलने के मुंतजर रहते हैं, जो न सिर्फ इस मुल्क के तशख्स को पामाल कर रहे हैं बल्कि आने वाली आइंदा हमारी नस्लों को गदागरी जैसी शर्मनाक आदत से मुतारिफ भी करवा रहे हैं। तारीख में ऐसी कई कौमों के किस्से रकम है जिन कौमों ने मसलहत के नाम पे अपने सरों को झुकाकर दस्ते सवाल बुलंद किया और बाद में जिनका अंजाम बाजार में बिकने वाले सफेद जिस्मों की मानित कमतर और हकीर बन के उभरा। ऐसा ही कुछ हाल वतन अजीज का भी है। जनाब आला पाकिस्तान पिछले 10 सालों में अमरीका से 18 बिलियन डॉलर की रकम मौसूल कर चुका है। इमदाद पे इमदाद लेने की ये वजह जब इन हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब ये मिलता है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और अफलास इंतहा पे है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो जनाब आला मैंने सोचा जरा इन कलमात पे एतबार करते हुए अपने घर से बाहर निकल कर देखूं कि इमदाद के नाम पे मिलने वाली इस भीख ने मेरे मुल्क की आवाम के हालात जिंदगी कहाँ तक बदले हैं। तो जनाब आला बहुत अफसोस हुआ, कहीं मैंने भूख से बिलकते मासूम बच्चों की आवाजें सुनी तो कहीं पे मैंने इन वुजरा के फिरंगी कुत्तों को सैर होते देखा, कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी तो कहीं पे मैंने वजीर आजम के तन पे लाखों का लिबास देखा, कहीं पे मैंने औलाद बराए फरोख्त के नारे सुने तो कहीं पे इन वजीर आजम और हुक्मरानों के आगे पीछे जाती 10-10 मर्सिडीज को देखा, कहीं पे मैंने आफिया सिद्दीकी की माँ को उसके इंतजार में तिल तिल मरते देखा तो कहीं पे मैंने इस मुल्क के हुक्मरानों को अमेरिका की खुशामद में दिन रात एक करते देखा। मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा, ड्रोन हमलों में मरने वालों की लाशों को देखा, कई औरतों के उजड़ते सुहागों को देखा, कई नौजवानों को हाथ में डिग्रियां लिए बेरोजगारी के एवज पार्लियामेंट हाउस के सामने आग में झुलसते देखा, कई मैंने बुजुर्गों को पार्लियामेंट हाउस के सामने पेंशन ना मिलने की खातिर हलाक होते देखा। जनाब आला मैंने इस मुल्क के हर शहर हर कूचे में करबला का मैदान देखा। तो बेख्तियार मेरी जबान पे ये अल्फाज आ गए, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम। जनाब आला चंद रुपयों के एवज इस मुल्क की इज्जत और तौकीर को गिरवी रखने वाले इन हुक्मरानों ने हमसे एक गैरतमंद कौम कहलवाने का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान उसी गुलामी की जंजीर से बंधने जा रहा है जिससे आजाद करवाने के लिए कई मुसलमानों ने अपने लहू से मक्तल गाहों को सजाया था, कई आदम की बेटियों ने अपनी असमतों को सरे बाजार नीलाम करवाया था, कई शहीदों ने जिस गुलिस्तान को सजाने के लिए अपना लहू बनाया था, क्या ये है वो पाकिस्तान? मैं पूछती हूँ जनाब आला आपसे, यहाँ बैठे हर शख्स से, अपने आप से, क्या ये है वो पाकिस्तान? नहीं, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला ये पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है। मैं सलाम करती हूँ उन तमाम कुर्बानियों को जो इस मुल्क को बनाने के लिए लोगों ने दी, मुसलमानों ने दी, लेकिन दीप जिनके चंद ख्वाहिशों में चले, दीप जिनके सिर्फ महलातों में जले, चंद लोगों की ख्वाहिशात को लेके चले जो के मसलतों के सायों में पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खायफ हूँ तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो ये अग्यार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की रात को जहल की बात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।